हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जिस विषय के बारे में, वो संबंधित है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के एक फॉरेन विजिट को लेकर के। आप सभी जानते होंगे, आपने न्यूज में जरूर देखा होगा कि क्वाड शिखर सम्मेलन में, क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो जापान के टोक्यो पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने क्वाड लीडर से मीटिंग करी। इस दौरान उन्होंने कुछ तोहफे जो है वो क्वाड लीडर्स को भेंट किए हैं। दोस्तों, ये तोहफे जो है ये भारत के ट्रेडिशन, भारत के कल्चर को सिग्निफाई करते हैं। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले इस महीने की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो यूरोप के दौरे पर गए थे, जहां पर वो नॉर्डिक देशों के लीडर्स से मिले थे, जहां पर उन्होंने उनको कुछ ट्रेडिशनल इंडियन गिफ्ट्स जो है वो प्रेजेंट करे थे। इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं दोस्तों, क्योंकि ये गिफ्ट्स वो है जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के कल्चर को, यूटीज के कल्चर को, हैंडीक्राफ्ट को, आर्ट को सिग्निफाई करते हैं। एग्जाम के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि न्यूज के अंदर ये देखने को मिली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदीज गिफ्ट्स टू नॉर्डिक लीडर्स। वो आपको स्टडी आईक्यू के हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसी तरीके से अब जब माननीय प्रधानमंत्री क्वाड समिट में पहुंचे, वहां उन्होंने क्वाड लीडर्स को कुछ गिफ्ट करे। विस्तार से जानेंगे कौन से ये गिफ्ट्स थे, किस एरिया से ये बिलोंग करते हैं और क्या इनकी स्पेशलिटी। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर जो है वो स्टडी आईक्यू लेकर के आया है। दोस्तों, सिविल सर्विसेज यूपीएससी एग्जाम के प्री कम मेंस की कंप्लीट प्रेपरेशन आपको स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्स की मदद से आप लोग कर पाएंगे। दोस्तों, ये कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किया गया है देश की एक्सपर्ट फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी द्वारा, जिसमें एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए रिक्वायर्ड हर एक चीज को कवर किया है। दोस्तों, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट, हर कंसेप्ट यहां पर इन डेप्थ, इन डिटेल आपको पढ़ाया गया है। आपको इस कोर्स में एनरोल करना है और वीडियो लेक्चर्स की मदद से आप पूरे के पूरे सिविल सर्विसेज के सिलेबस को कवर कर पाएंगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, उसे आप अकम्प्लिश कर सकेंगे। दोस्तों, डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें, क्योंकि मात्र 9,999 रुपए में दोस्तों इतना शानदार कोर्स इतने कम प्राइस में, चैलेंज के साथ मैं आपको कह रहा हूं, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए ये कोड शुभ फ्लैश, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो हाल ही में टोक्यो पहुंचे थे, जहां उन्होंने क्वाड समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री जी अपने साथ कुछ तोहफे जो है वो लेकर के गए थे, जो उन्होंने क्वाड लीडर्स को, क्वाड में आप जानते होंगे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, चार देशों का ये इनफॉर्मल ग्रुप है। इस क्वाड समिट में भारत के अलावा तीन देशों के अध्यक्ष, यूएस के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे। तो इन तीनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ तोहफे लेकर के गए थे, और ये तोहफे ऐसे हैं जो भारत की कल्चरल हेरिटेज और आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, विस्तार से इन सभी तोहफों के बारे में जानेंगे, उससे पहले बात करेंगे क्वाड ग्रुप के बारे में, क्या है ये। तो दोस्तों, ये क्वाड समिट की तस्वीर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, ये यूएस के प्रेसिडेंट है, ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर है और ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे पहले बात करेंगे क्वाड दरअसल क्या है। दोस्तों, क्वाड एक शॉर्ट फॉर्म है, इट इज यूज फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल शब्द जो है वो रिप्रेजेंट करता है चार को। क्वाड्रिलेटरल जो है वो मैथमेटिक्स से आया है, एक शेप को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है जिसमें चार साइड्स होती हैं। तो क्वाड शब्द जो है वो फोर को रिप्रेजेंट करता है। दरअसल ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है तीन देशों के साथ भारत का। ये तीन देश कौन से हैं? यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत का इन तीन देशों के साथ में, या इन चार देशों का आपस में एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड जो है वो कहा जाता है। दोस्तों, ये चारों देश वो है जो एक कॉमन विजन शेयर करते हैं, पीसफुल प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन का। दोस्तों, आप जानते हैं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो रीजन, इसे इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। वहां पर एक डोमिनेंस जो है वो चाइना की ओर से लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना इस रीजन को जो है वो डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में इन चार देशों का उद्देश्य ये है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस बना रहे, क्योंकि यहां से ग्लोबल ट्रेड जो है वो होकर के गुजरता है। यहां पर किसी एक पर्टिकुलर देश की डोमिनेंस जो है वो पूरे के पूरे ग्लोबल ट्रेड के लिए खतरा है, खास करके इन चार मेजर पावर्स के लिए एक बड़ा संकट जो है वो हो सकता है। इस वजह से इस एरिया में शांति जो है वो बनी रहे, इस उद्देश्य के साथ ये इनफॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो बनाया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्वाड के मेंबर है।
इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जितने भी सी रूट्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन की, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, कोई भी कंट्रोल, कोई भी डोमिनेंस जो है वो किसी भी देश का इस रीजन में ना हो, ये एरिया जो है वो ओपन रहे, सभी कंट्रीज जो यहां से होकर के ट्रेड कैरी आउट करती हैं उनके लिए ये इलाका जो है वो हमेशा खुला रहना चाहिए। दोस्तों क्वाड के इतिहास की अगर हम बात करें, दरअसल क्वाड जो है ये किस आधार पर बना था, ऐसा माना जाता है एक एडहॉक सुनामी कोर ग्रुप बनाया गया था। आप जानते हैं इंडियन ओशियन रीजन में बहुत ही डिवास्टेटिंग सुनामी जो है वो 2004 में आई थी, जिसमें बहुत सारा नुकसान जो है बहुत सारे देशों का हुआ था। इस दौरान एक एडहॉक ग्रुप बना था जिसे सुनामी कोर ग्रुप कहा गया था। इसमें चार देश इन्वॉल्व थे, जिनका काम क्या था कि सारे के सारे रीजन जो सुनामी से प्रभावित थे वहां पर रेस्क्यू सपोर्ट आदि करना। इसको, इस एडहॉक ग्रुप को, इस सुनामी कोर ग्रुप को जो है वो प्रिकर्सर टू क्वाड माना गया। क्यों? क्योंकि इस सुनामी कोर ग्रुप में अगेन चार कंट्रीज इन्वॉल्व थे। कौन कौन से थे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। तो ये चार देशों ने एक एडहॉक सुनामी कोर ग्रुप बनाया था 2004 में, और उसी की लाइंस पर फिर क्वाड जो है वो बनाया गया। इस वजह से इस सुनामी कोर ग्रुप को एक प्रिकर्सर माना जाता है क्वाड का। क्वाड का आइडिया जो है वो 2007 में पहली दफा जो उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे श्री शिंजो आबे, तो शिंजो आबे ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि क्यों ना हम चारों देश मिलकर के, क्योंकि हम ऑलरेडी सुनामी कोर ग्रुप का मेंबर रह चुके हैं, तो क्यों ना हम चारों देश मिलकर के इंडियन ओशियन या इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए एक इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो फॉर्म करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उस समय मना कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस के कारण चाइना ऑस्ट्रेलिया को कह रहा था कि नहीं, तुम ऐसा कोई भी ग्रुप जो है वो नहीं ज्वाइन करोगे, जिस वजह से चाइनीज इन्फ्लुएंस के कारण ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्रुप को उस समय ज्वाइन नहीं किया रहा था। हालांकि 2017 में जब एशियन समिट हो रहा था मनीला में, आसियान समिट में ये चारों देश जो है वो दोबारा से माने थे, दोबारा से ये बात जो है वो रखी गई कि क्यों ना 2007 में ये क्वाड ग्रुप नहीं बन पाया था, लेकिन 2017 में आसियान समिट के दौरान मैनीला के अंदर ये चारों देश जो है वो दोबारा से एक बार एग्री कर रहे थे, और उस समय क्वाड बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? काउंटर करना चाइनीज इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा क्वाड की ब्रीफ हिस्ट्री। अब क्वाड समिट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, उन्होंने कुछ गिफ्ट्स जो है वो क्वाड लीडर्स को दिए। कौन से ये गिफ्ट्स हैं, क्या इनके कल्चरल रूट्स हैं, इस बात को जानेंगे। सबसे पहला गिफ्ट है सांझी आर्ट, जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दिया गया है। दोस्तों इंट्रिकेट सांझी पैनल ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएस के प्रेसिडेंट को दिया, विच इज बेस्ड ऑन दी थीम ऑफ ठकुरानी घाट। दोस्तों अगर आपने मथुरा वृंदावन गोकुल का एरिया जो है वो विजिट करा है, उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा वृंदावन गोकुल आगरा के एन रूट अगर आप चाहें तो ये तीन शहर आते हैं। ये तीन शहर वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए रहे हैं। तो वहां पर गोकुल में एक ठकुरानी घाट है, जिस चीज को, जिस इमेज को डिपिक्ट किया गया है इस सांझी आर्ट में। तो ये आर्ट पीस जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यूएस प्रेसिडेंट को दिया गया। ये तस्वीर जो नजर आ रही है ये ठकुरानी घाट है। दोस्तों ठकुरानी घाट जो है वो गंगा नदी पर पवित्र, माफ कीजिएगा, पवित्र यमुना नदी पर गोकुल शहर में एक घाट, घाट आप जानते हैं, आपने अलग अलग जगहों पर गंगा नदी या यमुना नदी के तट पर घाट जो है वो देखे होंगे। ये वो स्थान, पवित्र स्थान माने जाते हैं जहां लोग जाकर के इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो यमुना नदी पर गोकुल में एक पवित्र घाट ठकुरानी घाट जो है वो माना गया है। ऐसी मान्यता है कि श्री यमुना महारानी यहाँ पर यमुना रिवर को रिप्रेजेंट किया गया है। यमुना महारानी ने यहाँ पर श्री वल्लभ आचार्य महाप्रभु को दर्शन दिए थे। दोस्तों गंगा यमुना ये पवित्र नदियां हैं, इन्हें देवियों के रूप में भारत में पूजा जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जो देवी गंगा है उन्होंने यहाँ पर श्री वल्लभ आचार्य महाप्रभु को दर्शन दिए थे, जिस वजह से ये ठकुरानी घाट जो है वो सबसे प्रसिद्ध घाटों में यमुना नदी पर माना जाता है। ये जो वल्लभ आचार्य महाप्रभु है ये एक इंडियन सेंट और फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने कृष्णा सेंटर्ड भक्ति को बढ़ावा दिया है। तो वल्लभ आचार्य महाप्रभु जो है भगवान कृष्ण के भक्त, एक फिलोसोफर, एक सेंट जो है वो भारत में हुए हैं। तो ये ठाकुरानी घाट को रिप्रेजेंट किया गया है उस गिफ्ट में जो यूएस के प्रेसिडेंट को दिया गया है। दोस्तों क्या मायने हैं इस सांझी पेंटिंग के? अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की, हिंदू माइथोलॉजी की माने तो जो राधा देवी है वो सांझी पैटर्न्स को ड्रॉ किया करती थी अपने प्रिय भगवान कृष्ण के लिए। आप सभी जानते हैं भगवान कृष्ण और राधा जी का जो प्रेम था वो डिपिक्ट होता है इस सांझी आर्ट में। राधा जो है वो अपने
प्रिय श्री कृष्ण के लिए पेंटिंग किया करती थी, ये सांझी पैटर्न्स कहलाते थे। और उन्हीं को देख करके जितनी भी गोपियां थी वृंदावन की, उन्होंने इस प्रकार के पैटर्न्स बनाना शुरू किए और ये सांझी पेंटिंग जो है वो फेमस हो गई। दोस्तों ये टर्म सांझी जो है, ये सांझ से शाम के समय में जिसको डस्क कहा जाता है, डस्क और डॉन आपने सुना होगा, सुबह सुबह का समय जो है वो डॉन होता है, वेरेज शाम का समय सांझ डस्क जो है वो कहलाता है। डस्क के समय में रंगोलियां बनाई जाती हैं मंदिरों के अंदर, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के लिए राधा और गोपियां जो है इस प्रकार की रंगोलियां बनाती थी, तो ये रंगोलियां जो है वो मंदिरों के अंदर बनाई जाती है डस्क के टाइम पे, सांझ के समय में। इस वजह से इस आर्ट फॉर्म को नाम दिया गया है सांझी। दोस्तों इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को हमें अपने पास याद रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जाएगा। तो सांझी आर्ट जो है वो यूएस प्रेसिडेंट को दी गई है। इसके अलावा गॉन्ड आर्ट पेंटिंग दी गई है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है उनसे जब श्री नरेंद्र मोदी जी मिले तो उन्होंने गॉन्ड पेंटिंग जो है वो गिफ्ट करी है। ये एक प्रकार की पेंटिंग है विच इज प्रैक्टाइज्ड बाय द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया, भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह गोंड ट्राइब के द्वारा ये पेंटिंग जो है वो की जाती है। ये प्राइमरीली मध्य प्रदेश में ये गोंड लोग जो है वो निवास करते हैं और ये पेंटिंग जो है इसकी रूट्स मध्य प्रदेश से आती है। दोस्तों इस प्रकार के लाइंड और डॉटेड पैटर्न्स में ये पेंटिंग जो है वो की जाती है। इस पेंटिंग को गिफ्ट किया गया है किसको, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को। दोस्तों गोंड आर्ट जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड ट्राइबल आर्ट फॉर्म, आदिवासी कला के रूपों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रशंसित आर्ट फॉर्म जो है वो गोंड आर्ट है। गोंड शब्द जो है ये कॉन्ड वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है ग्रीन माउंटेन, हरे पहाड़। तो गोंड शब्द जो है वो कॉन्ड से बना है जिसका अर्थ होता है हरे पहाड़। ये पेंटिंग जो है ये कैसे बनती है, ये डॉट्स और लाइन से बनाई जाती है, डॉटेड पैटर्न और लाइन पैटर्न के साथ में ये पेंटिंग जो है वो बनाई जाती है। दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ पिक्टोरियल आर्ट ऑन वॉल्स एंड फ्लोर्स ऑफ गॉन्ड्स। गॉन्ड ट्राइब्स के अगर आप घरों में जाकर के देखेंगे तो दीवारों पे, फर्श के ऊपर इस तरीके की डॉटेड पेंटिंग्स जो है वो हमको नजर आएंगी। दोस्तों ये गिफ्ट की गई है किन्हें, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को ये गॉन्ड पेंटिंग देने का एक अलग सिग्निफिकेंस है। वो क्या है, दरअसल दोस्तों एक ऐसी ही आर्ट फॉर्म है जिसका नाम क्या है, एबोरिजिनल पेंटिंग। ये एबोरिजिनल पेंटिंग क्या है, ये एबोरिजिनल पेंटिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, और ये एबोरिजिनल पेंटिंग जो है इट इज वेरी सिमिलर टू गोंड आर्ट। तो जिस प्रकार की आर्ट जो है, जिस प्रकार की आर्ट फॉर्म गोंड ट्राइबल्स जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरीके की एक पेंटिंग आर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी प्रैक्टिस की जाती है, जिसे एबोरिजिनल आर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार की होती है। तो थोड़ी सी सिमिलैरिटी हमको ये डॉटेड पैटर्न्स की सिमिलैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं गॉन्ड पेंटिंग के साथ में मिलती जुलती है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को ये पेंटिंग दिया जाना जो है कहीं ना कहीं एक कनेक्शन को डिपिक्ट करता है गॉन्ड पेंटिंग और एबोरिजिनल पेंटिंग जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर की जाती है। ये दोनों ही आर्ट फॉर्म्स ऐसी हैं जो दोस्तों अनडाउटेडली थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का फिजिकल डिस्टेंस है इस पेंटिंग के क्रिएटर्स में, चाहे गॉन्ड आर्ट हो चाहे एबोरिजिनल आर्ट हो, क्योंकि गॉन्ड आर्ट हिंदुस्तान में, एबोरिजिनल आर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। हजारों मील की दूरी है इन इस आर्ट के क्रिएटर्स में, लेकिन उनकी सिमिलैरिटी जो है वो इन दोनों आर्ट फॉर्म्स को एक दूसरे से यूनाइट करती है। तीसरा गिफ्ट जो है वो था जापानीज प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो जब प्रधानमंत्री जी जापान के प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने उन्हें गिफ्ट करा वुडन हैंड कार्व्ड बॉक्स विद रोगन पेंटिंग। दोस्तों मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, हमारे चैनल पर आपको मेरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री जी जब नॉर्डिक कंट्रीज के लीडर्स से मिले थे, उनको कुछ गिफ्ट इन्होंने दिए थे, वहां पर भी इस प्रकार का गिफ्ट जो है वो दिया गया था। दोस्तों स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से जब श्री नरेंद्र मोदी जी मिले थे, उन्होंने कश्मीर के पेपर मशी बॉक्स के अंदर एक पश्मीना का स्टोल जो है वो गिफ्ट किया था। उसी तरीके से यहां पर जापान के प्रधानमंत्री के लिए लकड़ी से बनाया गया, हाथ से लकड़ी पर नकाशी करके बनाए गए बॉक्स में रोगन पेंटिंग जो है वो गिफ्ट करी है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने जापानीज काउंटर पार्ट को एक हैंड कार्व्ड डीप ब्राउन वुडन बॉक्स जो है वो गिफ्ट करा है, लकड़ी का एक डब्बा है जिसके ऊपर नकाशी की गई है हाथ से, और उसकी साइड जो है वो गोल्ड है, और उसके चार अंदर व्हाइट रोगन पेंटिंग की गई है हरे रंग के कपड़े के ऊपर। तो लकड़ी का एक डिब्बा है दोस्तों, आप देखिए ये लकड़ी का एक बॉक्स है, इसके अंदर हरे रंग के बेस के ऊपर गोल्डन और व्हाइट कलर में ये रोगन पेंटिंग जो है वो की गई है। दोस्तों अगर आपने मेरा वो नॉर्डिक कंट्रीज के लीडर्स को दिया गया गिफ्ट वाला वीडियो देखा है, तो वहां पर भी ये रोगन पेंटिंग जो है वो गिफ्ट की गई थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक महीने के समय में दो बार ये पेंटिंग जो है वो गिफ्ट की जा चुकी है। रोगन पेंटिंग ये
क्लॉथ पेंटिंग है जो कहां से आती है, गुजरात के कच्छ जिले में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, कपड़े के ऊपर ये पेंटिंग जो है वो की जाती है एंड इज कंसीडर्ड टू बी मोर देन 4 सेंचुरीज ओल्ड, 400 साल से भी ज्यादा पुरानी ये आर्ट है, कच्छ जिले में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। यही सेम रोगन पेंटिंग जो है प्रधानमंत्री जी ने डेनमार्क की क्वीन को भी दी थी जब इसी मई के महीने की स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री जो है 3 दिवसीय दौरे पर यूरोप पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नॉर्डिक कंट्रीज के लीडर से अपनी मीटिंग जो है वो करी थी। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर को उन्हें गिफ्ट दिया है, यूएस प्रेसिडेंट को दिया है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को दिया है। इसके अलावा क्योंकि प्रधानमंत्री जी जापान टोक्यो गए थे, वहां पर प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई जापान के पूर्व प्रधानमंत्रियों से। 3 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है जापान के नरेंद्र मोदी जी को टोक्यो के अंदर मिले, जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने पट्टा मडाई सिल्क मैट्स जो है वो गिफ्ट करे हैं। तो ये पट्टा मडाई सिल्क मैट्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं 3 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये जो है ये है शिंजो आबे, ये जो है ये है योशीहिदे सुगा, और ये जो है ये है योशिरो मोरी। तो ये तीनों ही जो है शिंजो आबे, योशीहिदे सुगा और योशिरो मोरी जो है ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन तीनों से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने और इनको गिफ्ट करे क्या, पट्टा मडाई के सिल्क मैट्स। दोस्तों पट्टा मडाई जो है वो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, यहां पर एक यूनिक ट्रेडिशन जो है वो फॉलो होता है, जहां पर कोराई ग्रास एक वैरायटी ऑफ ग्रास है जो नदी के तट पर उगाया जाता है, नदी के तट पर ये नेचुरली उगता है और इस ग्रास से मैट्स जो है वो बुने जाते हैं जिन्हें पट्टा मडाई मैट्स के नाम से जाना जाता है। तो पट्टा मडाई मैट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां से आते हैं, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के पट्टा मडाई छोटे से गाँव से आते हैं। इस प्रकार के ये मैट्स जो है आपने जरूर इनको कहीं ना कहीं पे देखा होगा। तो ये मैट्स जो है वो गिफ्ट किए गए हैं किनको, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जापान को। दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है इसमें हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी ने जो गिफ्ट्स दिए हैं क्वाड लीडर्स को, और हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी जो है वो जाना है क्वाड के बारे में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन जो है इस इन पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म से हम एग्जाम के अंदर किसी ना किसी एग्जाम के अंदर डेफिनेटली जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी जो है वो बहुत शानदार तरीके से हो सकती है, आप बहुत जल्द इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अपना डीएम बनने का, अपना एसएसपी बनने का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्स के साथ में। दोस्तों स्टडी आईक्यू आपके लिए मात्र 9,999 रुपए में बेहतरीन स्मार्ट कोर्स जो है वो लेकर के आया है, जिसमें सिविल सर्विसेज के लिए प्री कम मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। दोस्तों इस कोर्स की मदद से यूपीएससी के पूरे सिलेबस को आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि देश की एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा इन डेप्थ इन डिटेल पूरे के पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है। इसकी मदद से आप अपना प्रिपरेशन जो है वो बहुत बेहतर कर पाएंगे। इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल करें, क्योंकि कुछ ही दिन का ये ग्रैंड मंथ एंड सेल जो है वो स्टडी आईक्यू पर आया है, जिसमें मात्र 9,999 रुपए में शुभ फ्लैश इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप स्टडी आईक्यू का ये बेहतरीन कोर्स जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।